मेरे जहन में ये चीज आ गई ना कि एक रेगुलर फैमिली घर से बाहर निकलती है, उसको कोई ट्रक के नीचे ला के दे देता है। कौन एक बेसिक वाइट जेंटलमैन, पाकिस्तान में हमें मारा गया, फलस्तीन में हमें मारा गया, कश्मीर में हमें मारा गया, लेकिन साथ साथ टेररिस्ट भी हमें। हमारा जुर्म ये है कि हम मुसलमान हैं। कोई कहता है तुम टेररिस्ट हो, तो बजाय ये कहने के कि किस बेस पे तुम हमें टेररिस्ट कह रहे हो, वो वहाँ के कई मुसलमान अपोलोजेटिक बन जाते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लिटरली हर कोई यही सोचता है कि ये हमारी फैमिली भी तो हो सकती थी। चोरियाँ होती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कभी मुझे कोई आके इस बात पे गोली नहीं मारेगा कि तुम मुसलमान हो। अस्सलामु अलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूँ मोहम्मद आजम आजम। नाज़रीन-ए-ग्रामी, आज मेरे साथ पाकिस्तान का एक ऐसा बेटा मौजूद है जो आज से 21 साल पहले पाकिस्तान छोड़कर पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए और आज 21 साल बाद पूरी फैमिली को वापस ये पाकिस्तान लेकर आ चुके हैं। आतिफ रहमान ने 2000 में पाकिस्तान छोड़ा और उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। ये कनाडा के स्कूल्स में पढ़ते रहे और इसी के साथ साथ इन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी। 2006 में आतिफ ने एक रेस्टोरेंट पर वेटर की जॉब से अपने कैरियर को स्टार्ट किया और फिर मुसलसल मेहनत करते करते 2021 में जब ये पाकिस्तान वापस आए तो ये कनाडा के अंदर एक सक्सेसफुल रियल स्टेट का बिजनेस चला रहे थे। लेकिन 2012 में ये एक शादी पर पाकिस्तान आते हैं और इनके दिल में ये ख्याल आता है कि मुझे आज या कल, जल्द या बदेर पाकिस्तान शिफ्ट होना है, क्योंकि ये मेरी धरती है, ये मेरी मट्टी है और मुझे यहाँ पर वापस आना है। और आज आतिफ यहाँ पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें थी, ऐसे क्या मुहर्रिकात थे, क्या चीज़ें इन्होंने देखी जो इन्हें पाकिस्तान लाने पर मजबूर कर रही थी और उस सोसाइटी के अंदर इन्हें क्या मुश्किलात फेस करना पड़ी, आतिफ से जानते हैं। आतिफ, ये बताइए कि ब्रीफ सा कि आप पाकिस्तान से कनाडा शिफ्ट कब हुए और क्यों शिफ्ट हुए? शिफ्ट हम बैक इन 2000 हुए थे। रीजंस वही थी, बेसिक सी थी। एक तो क्योंकि मैं पैदा भी दुबई में हुआ था तो हमारी फैमिली का वो भी काफ़ी टाइम पाकिस्तान से बाहर गुजरा था, तो 2000 में भी यही था कि एक होता है कि भाई फैमिली चली जाए, बाहर के मुल्क में चले जाए, बाहर के स्कूलों से पढ़ लें, एंड यू नो एक पेरेंट्स का यही होता है ना कि बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बन जाए, तो नीयत तो यही थी। तो ये मेन रीज़न थी वहाँ पर जाने की कि चलो स्कूलिंग वगैरह वहाँ पर हो जाएगी एंड एक सेटल वहाँ पर हो जाएंगे तो बेटर लाइफस्टाइल के लिए। आतिफ, जब आप पाकिस्तान से बाहर गए तो आपने बताया कि आपके फादर यहाँ एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे थे, लेकिन जब आप शिफ्ट हुए तो फिर वहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किस तरह के हालात थे कनाडा में? मतलब अल्लाह का शुक्र है इस हद से ज़्यादा कोई मुश्किलात तो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं बहुत डिफरेंस होती है। उस ज़माने में तो एक प्रॉपर रिसर्च भी नहीं हो सकती थी जैसे आज इंटरनेट में हम कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है बिजनेसेस किए, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस किए, तो उस लिहाज से तो ठीक रहे, लेकिन जो एक स्ट्रगल होती है उसके थ्रू तो फिर से जाना पड़ा और वो ऑब्वियसली उन्होंने हमारे लिए ही किया, अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए ही किया, तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। फिर 2000 में जब आप पाकिस्तान से गए तो आपकी उम्र 10 साल थी, 2006 में यानी जब आपकी उम्र 16 साल थी आपने एक रेस्टोरेंट पर वेटर की जॉब स्टार्ट की और जहाँ से आपका फाइनेंशियल करियर स्टार्ट हुआ, वो किस तरह की जॉब थी? वो मतलब एक तो वहाँ पे ये थे, साथ पीछे कुकिंग का भी काम करना पड़ता था, तो वो तो काफ़ी हार्डशिप्स थी उसमें। मतलब एक पार्ट टाइम जॉब, शुरुआत तो मैंने यही की थी कि एक दो दिन काम करेंगे और थोड़े से पैसे कमा लेंगे, लेकिन फिर छः दिन काम भी करते थे, साथ स्कूल का भी काम करना होता था। तो अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि उस एज से ना एक फाइनेंशियली मुझे फिर किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा, अल्लाह का शुक्र है कि जाहिर सी बात है पेरेंट्स के साथ रहते थे तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन फिर भी एक अब एहसास होने लग गया कि मेहनत कहते किस चीज़ को है। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था मेहनत होती क्या है। तो 2006 से फिर आपने अपने करियर का स्टार्ट किया, तो फिर बताइए किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या बिजनेसेस किए, जॉब्स की, और फिर रियल स्टेट का इतना सक्सेसफुल बिजनेस कनाडा में किस तरह खड़ा कर लिया? तो जो शुरुआत की थी उसमें तो ये समझे कि रोज़ मैं घर आता था तो मैं लेटा रहता था, लेट के अपना होमवर्क करता था स्कूल का, थके इतने थे, इतना थक जाता थे, इतना काम वहाँ पे करवाते हैं, मिनिमम वेज वाले लोगों से सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, सफाइयाँ की, झाड़ू दिए, डिशेस वॉश की, सब कुछ किया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ली जॉब 3 साल की है, उसके बाद जो है साइड जॉब्स भी बहुत सी की, फिर फिटनेस इंडस्ट्री में मेरा जो है मैंने पाँव रखा बिफोर आई स्टार्टेड कॉलेज, एंड उसमें अल्लाह ने ऐसी सक्सेस दी सेल्स में, क्योंकि सेल्स मेरी एक स्किल बन गई थी तब तक, तो मैं सिर्फ 20 साल का था एंड एक साल के अंदर उस कंपनी में जिसके तकरीबन 450 जिम US में थे एंड 20 एक
कनाडा में थे उसका मैं 21 साल की एज में सबसे यंगेस्ट सेल्स मैनेजर बन गया। एंड वो 5 साल के अंदर ही जो मेरा एक करियर था उसके अंदर ही मेरी $50,000 पर ईयर की जॉब लग गई थी। एंड बहुत अच्छी पोजीशन थी, एक था एक जैसे यहाँ पे होता था कि स्टेटस था, एक रिस्पेक्ट थी अल्लाह का शुक्र, तो वो मुझे मिल गया था बहुत यंग एज में ही एंड उसको मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था। तो फिर उसके बाद मुझे यही हुआ था कि अब इससे भी आगे जाना, तो उसके लिए फिर मुझे था कि रियल इस्टेट में एक पोटेंशियल है जिसमें ना बहुत आगे आप जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाले जॉब्स वगैरह छोड़ के फिर रियल इस्टेट की तरफ चला गया। एंड उसमें भी बहुत स्ट्रगल हुई शुरू में, फिर इवेंचुअली अल्लाह का शुक्र है उसमें काम हुआ एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज़ ने अप्रोच किया, फिर मैंने एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया, वहाँ का मैनेजर बन गया, साथ साथ अपना काम भी था, दूसरे लोगों को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। अभी हाल ही में मैंने एक वाक्या सुना कि इस्लामोफोबिया के नाम पे, इस्लाम की नफरत के नाम पे एक पूरी फैमिली को कनाडा के अंदर एक शख्स ने मर्डर कर दिया ट्रक के साथ। तो आप तो खुद उस सोसाइटी में रहे और रिसेंटली आए, तो ज़्यादा जो फीलिंग है जो महसूस कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, ये किस तरह का इन्वायरमेंट है वहाँ पे? देखें वहाँ पे ना अब जब ये वाले केसेस होते हैं ना तो फिर बंदा सोचता है कि अब जिसको मैं जानता था हो सकता है वो मुझसे नफरत करता, मतलब अब मेरे जहन में ये चीज़ आ गई ना कि एक रेगुलर फैमिली घर से बाहर निकलती है और उसको कोई ट्रक के नीचे ला के दे देता है, कौन एक बेसिक वाइट जेंटलमैन, वो भी 20 साल का लड़का जो कि क्वाइट ऑनेस्टली मेरा दोस्त भी हो सकता था, मुझे पता भी नहीं, ठीक है ना। अब ये इमेज मेरे जहन में भी आ गया कि ये हो क्या रहा है, ये नफरत है किस चीज़ की, कि क्या हमने गलत कर दिया, मतलब अफ़गानिस्तान में भी हमें मारा जा रहा है, इराक में भी हमें मारा गया, पाकिस्तान में हमें मारा गया, फ़लस्तीन में हमें मारा गया, कश्मीर में हमें मारा गया, लेकिन साथ साथ टेररिस्ट भी हमें, और हमारा जुर्म यह है कि हम मुसलमान हैं, हमारा जुर्म यह है कि हम मुसलमान हैं। आई थिंक ज़्यादा बड़ा जुर्म यह है कि हम आगे से कुछ कर नहीं रहे, हम अपोलोजेटिक्स बन जाते हैं, मतलब कोई कहता है तुम टेररिस्ट हो तो बजाय ये कहने के कि कहें कि भाई किस बेस पे तुम हमें टेररिस्ट कह रहे हो, वो वहाँ के कहीं मुसलमान अपोलोजेटिक बन जाते हैं, मतलब कि भाई अंग्रेज़ के सामने हम ना अपने आप को अच्छा इंसान साबित कर लें, कि मतलब जैसे उसको बताने की ज़रूरत है कि भाई हर माशरे में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो अगर आपकी ये फीलिंग है, आपकी ये सोच है, इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू, नॉट विद अस। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 9/11 के बाद तो ये पीक पे चला गया और अभी तक। अभी जब आपने ये इंसिडेंट देखा होगा टीवी पे, सोशल मीडिया पे, जो फैमिली को मर्डर किया गया और फिर उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ ये कल परसों में, तो आप जो कि खुद वहाँ थे, आपके पेरेंट्स वहाँ थे, बच्चे वहाँ थे, तो क्या दिल में ये डर पैदा हुआ और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं अपने मुल्क वापस आ चुका हूँ जहाँ मुझे कोई डर नहीं है? वही मैंने कहा ना कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लिटरली हर कोई यही सोचता है कि ये हमारी फैमिली भी तो हो सकती थी, मतलब एक फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, डॉटर हैं, मतलब मेरे भी बच्चे हैं, मेरे वालदैन भी हैं, मेरा भाई भी है, तो बंदा यही सोचता है कि अगर कल को मैं वापस जाता हूँ तो मैं स्ट्रीट पर जाता हूँ, मेरी फैमिली के साथ ऐसे हो सकता है। अब मुझे पाकिस्तान में जो हमने 5 मिलियन लाइव्स दी थी वो किसी रीज़न के लिए दी थी, और वो ये है कि अब यहाँ पे जो भी हो जाए अल्लाह बचा के रखे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम से, कभी भी इस्लाम के नाम पे नहीं मारा जाएगा, ठीक है ना। चोरियाँ होती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कभी मुझे कोई आके इस बात पे गोली नहीं मारेगा कि तुम मुसलमान हो। जब मैं 2012 में एक शादी पे पाकिस्तान आया था तो मेरे कज़न्स के साथ मैं गया था नारान का खान वगैरह जैसी साइट्स पे, पहले मरी एंड इस्लामाबाद गए उसके बाद नारा, वहाँ पर मैंने एक साइड ऑफ पाकिस्तान देखी और मैंने कहा कि ये इतनी खूबसूरत जगह है, थोड़ा बहुत मतलब मैं अरबों की भी नहीं, मैं कुछ करोड़ की बात कर रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट लेवल पर कि अगर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो हम लिटरली, ये बात कोई एग्जैजरेशन नहीं है, हम लोग लिटरली बहुत से ममालिक को पीछे छोड़ेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों, फिर एक चीज़ यही नज़र आती थी, सोचते थे कि पाकिस्तान में जो पुराने पाकिस्तानी थे वो हर वक्त कंप्लेन करते थे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में वो प्रॉब्लम है। मैंने कहा प्रॉब्लम्स तो वहाँ पर भी हैं, प्रॉब्लम्स तो यूके में भी हैं, इटली में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, तो पाकिस्तान ही अकेला क्यों है कि जिसमें प्रॉब्लम्स ऐसे बयान की जाती है जैसे पता नहीं और दुनिया में किसी मुल्क में प्रॉब्लम। जब आप बाहर के मुल्क में जाएंगे ना तो वहाँ पे कोई दरख्त नहीं लगे जिस पे जाके आप डॉलर्स उतारने लग जाएंगे। मैं कई केसेस ऐसे सुने हैं कि लोगों से कर्जे पकड़ रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं, सोना बेच रहे हैं, कि वो करके बाहर जाके हम मेहनत करेंगे। मैं कहता हूँ कि वो बेचना बेचो, उसमें कुछ गलत नहीं है, यहाँ पर मेहनत कर लो ना,
वहाँ पे जाओगे कुछ पता नहीं है, ना कोई जान ना पहचान, कोई हमेशा हर किसी की स्टोरी होती है, नहीं वो मेरा एक जानने वाला वहाँ पे गया था, वो ठीक है उसकी जो भी स्टोरी, आप क्यों ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी पे अपने पे इतना बोझ डाल। मैंने 8 महीने हो गए, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी देखी है, ये कोरोना के दिनों में मैं कह रहा हूँ, तो अभी अल्लाह करे कोरोना खुले हो, ख़त्म हो, सारे लॉकडाउन वगैरह खुले, मैं मुल्क को और फिरूंगा तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देखी। ये तो सिर्फ 7 महीने में मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी को फजूल में, मतलब ठीक है कई लोग नहीं रह सकते, कई लोगों के फैमिली इशूज़ भी होते हैं वो नहीं रह सकते, वो भी एक सिचुएशन है, लेकिन अदर देन दैट मुझे नहीं पता, समझ नहीं आती कि इतनी क्या स्ट्रगल है कि बाहर जा कर ही सब कुछ करना है, यहाँ पर भी हो सकता है। जहाँ तक तो मामला है ना मिसेस का, तो मैं उनसे 2012 में तो मैं जानता ही नहीं था वो कौन है, 2013 में मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो अक्सर लोग जब किसी से मिलते हैं शादी के लिए कि भाई ये होता है ना कि क्या खाने पकाने आते हैं, वो कहते हैं तुम्हें क्या अच्छा लगे, मेरी ये कोई कॉन्वर्सेशन इस बेस पे हुई नहीं थी, मेरी सिर्फ मेन बात ये थी, मैंने उनसे ये पूछा था कि एक दिन आएगा, आई डोंट नो व्हेन, 10 साल बाद हो सकता है, 20 साल बाद हो सकता है, 2 साल बाद हो सकता है, जब मैं कहूँगा कि अब पाकिस्तान जाने का टाइम आ गया, उस दिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि उनका जो है ना पूरा ख़ानदान वहाँ पे है, मतलब उनका तो यहाँ पे मतलब दूर के कोई जानने वाले रहते हैं तो रहते हैं, सारी फैमिली वहाँ पे, उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है इस बात को, जब उन्होंने ये कह दिया ना फिर मैंने बस दिल में कह दिया या अल्लाह कि अब जो है ना इससे शादी करा दे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ऐसी और रिश्ता नहीं मिलने वाला जिसमें कोई पाकिस्तान आने के लिए राजी हो जाएगा। अब जब आप पाकिस्तान आ चुके हैं, यहाँ 8 माह आपको हो चुके हैं, तो काफ़ी हद तक आप सेटल हो चुके होंगे, आपका बिजनेस भी चल रहा है, किसी रात सोने से पहले ये ख्याल आया कि मेरे बच्चों ने भी यहाँ बड़े होना है, उन्होंने इस कल्चर में वो पैदा तो चुके, आई गेस वो वहाँ पे कनाडा में हुए, लेकिन अब उनकी परवरिश और जो वैल्यूज सीखनी है वो उन्होंने अपनी मट्टी की सीखनी है, तो कभी ये ख्याल तो नहीं आया कि आतिफ ये गलत फैसला कर लिया है? नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि सही टाइम पे ये आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर एक दफ़ा आपकी वो स्कूलिंग वगैरह सेटल हो जाए ना तो फिर यहाँ पे आना शायद मुश्किल हो जाता। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि जिस टाइम, वो अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है, अगर मैं शायद 3 साल पहले आता शायद तब भी सही फ़ैसला ना होता, 3 साल बाद आता तब भी शायद सही फैसला, ये जिस दिन जिस तारीख में भी मैं आया हूँ ना वो बिल्कुल राइट ऑन द स्पॉट थी, बच्चों की एज अभी सिर्फ 2 साल भी नहीं हुई थी, अब जाके 2 साल के हुए हैं, तो इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम, इन्हें तो मतलब देर नो द डिफरेंस, वो इतने छोटे हैं, तो बाहर जाना कुछ गलत नहीं है, मतलब हमारे फाउंडर जो हैं कायदे आज़म उन्होंने बाहर ज़िंदगी गुजारी, बाहर से पढ़ के आए, बाहर जाएं, अगर बाहर जाना ही ज़रूरी है तो फिर वहाँ पे जाके पाकिस्तान को मिसरिप्रेजेंट ना करें, प्रॉब्लम्स हैं हमें भी पता है, जैसे घर में प्रॉब्लम्स होती है लेकिन क्या आप दूसरों को जाके बताने लग जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, हर किसी के होते हैं तो नहीं करते, तो इसी तरीके से अगर आप मुल्क से बाहर जाते ही हैं तो फिर पाकिस्तान की तारीफ़ करें, तारीफ़ नहीं कर सकते तो फिर बुराई भी ना करें, और जब मौका मिले अपनी तरफ से किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, यही मैं कह सकता हूँ कि मतलब अगर आपकी सिर्फ इनकम ही है और आप रेमिटेंस भी यहाँ पे भेजते हैं तो आप पाकिस्तान का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, तो अगर आप नहीं रहना चाहते तो कम से कम पाकिस्तान को फिर भी फ़ायदा पहुँचाएं, क्योंकि ये लिटरली अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है, ये सस्ता नहीं मिला, इसके लिए 50 लाख लोगों ने ज़िंदगी दी है, अपनी ज़िंदगी दी है, अब क्योंकि 70 साल गुजर गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको भूल जाएँ, ये इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हम नहीं भूल सकते। ये है जी आतिफ साहब, पाकिस्तान के बेटे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वाकई पाकिस्तान का असासा थे, अब पाकिस्तान आ चुके हैं और यहाँ मेहनत कर रहे हैं, एक नई स्टोरी के साथ फिर आते होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।